शुरू शुरू में हमने भगवान ज्यादा प्यार करें, इस सभी हमें प्यारे लगे। यह बात था गुरु परिवार किसी माँ को चरण खाने पे बुलाया था, परिवार सभी परिवार को पूरे विश्व में निरंकारी जगत है, पूरे विश्व में मानव एकता दिवस के रूप में हम ये दिन मना रहे हैं। साथ में रूप में ये दिन बाबा कुशी महाराज की याद में मनाया जाता है। जो अभी 1980 को बाबा जी शहीद हुए थे और तभी से उनकी याद में हर साल जब मानव एकता दिवस मनाते हैं और उनके शिक्षकों को याद करते हैं। अभी थोड़ी देर पहले जहाँ पर जिक्र हुआ कि बाबा जी ने किस प्रकार वो जाति पातियाँ ख़त्म की, बाबा जी ने तो जहाँ तक कह दिया कि जो रिश्ते हैं वो भी एक योग्यता के आधार पर किए जाएंगे, ना कि जाति पातियों के आधार पर किए जाएँ। इसी तरह नशे पर पाबंदी, पूर्ण प्रबंध लगाई मिशन में, तो नशे के कारण हमारे घरों में बर्बादी होती है, घरों में कला क्लेश होता है, तो वो एक नशे पर भी ये पूरा प्रबंध पाबंदी लगा दी। सादगी पर जोर दिया कि हमें सादा जीवन व्यतीत करना चाहिए। और ऐसे ही जो मानव एकता दिवस तभी संभव होता है जब सेल्फ रिलाइजेशन हो जाए, जब सभी को जो ज्ञान हो जाए, एकात्म ज्ञान हो जाए, हम सभी बराबर हैं। शरीर करके आत्मा करके हम बराबर हैं। सभी का शरीर पांच तत्व का है, इसमें जो आत्मा शक्ति आत्मा है, जय भी प्रभु का अंश है, सभी हम बराबर हैं। तो यही बाप जो है बाप हम रिपीट करते हैं हर साल, उनके शिक्षाओं को याद करके दूसरों तक भी ये संदेश पहुँचाने का प्रयत्न करते हैं और अपने लिए प्रार्थना करते हैं कि वो उनकी शिक्षा अपने जीवन में ला सकें। धन्यवाद।